हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक है, सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की, तो इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया है। तो जिसने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आज ये हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है, तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फर्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो हमारी इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, चलिए इसमें हमने पिछले टर्म पे जो एक्सरसाइज फर्स्ट में दो तक क्वेश्चन किए थे, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री सभी बुक में देखेंगे क्या करना, ठीक है। तो बुक में ये दिया क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स वाई बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x वेयर कैपिटल a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या करना, ये कोई कर्व दे रखा, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, जहां a और b क्या दे रखे, इन्होंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दे रखे। क्वेश्चन नंबर है हमारा थ्री, गिवन। तो गिवन क्या है हमें इसमें, y इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये हमें कर्व दिया, इस कर्व का क्या निकालना हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, जहां ए और बी क्या दे रखे, इन्होंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दे रखे, स्वेच्छ अचर दे रखे। तो हमें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, तो ये देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने हैं, तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो हैं इसमें, ए और बी। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, सेकंड ऑर्डर का बनेगा। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, वाई का डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स को ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स। फर्स्ट सेकंड से कर रही है, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे तो ई की पावर एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, ई की पावर एक्स, तो इसको ऐसे ही रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, चलिए ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर से देखिए ये वैल्यू वाई के बराबर है, तो इसकी जगह कितना रख दीजिए, वाई रख दीजिए, तो वाई रखेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपोन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू बोलिए माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बोलिए इसकी वैल्यू बोलो ऊपर से कितनी है वाई, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। चलिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए, ठीक है, या इसको वाई को इधर ले आइए, अभी सेकंड तब मान लेना, वाई को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा डी वाई अपोन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, इसको मानिए तुम इक्वेशन नंबर सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ठीक है, तो आगे तो इतनी जगह नहीं है तो मुझे ऊपर से मिटा के ऊपर करना पड़ेगा, तो तुम लोग इतना नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर मिटा के मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, इससे आगे तो चलिए ऊपर देखिए, इससे आगे इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, तो कर दीजिए कितना आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसका कर दीजिए प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस के, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कोस एक्स, ठीक है कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो माइनस यहाँ आ जाएगा बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है प्लस भाई फर्स्ट को ऐसे रखा इसका कर दिया, आपके इसको ऐसे रखेंगे और इसका करेंगे ए की पावर एक्स का करना, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्या रखेंगे बोलिए, माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो हमें यहाँ से किसको एलिमिनेट करना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करके, तो क्या बन जाएगी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, दो ऑर्डर की। दो ऑर्डर की क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने हैं, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है तो कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ए की पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है इसको ऐसे रखिए ए की पावर एक्स माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। ये देखिए किसके बराबर था, ये इक्वेशन फर्स्ट में देखिए किसके बराबर था, ये वाई के बराबर था, और इसकी वैल्यूज इक्वेशन सेकंड यानी ये समीकरण सेकंड से देखिए किसके बराबर थी, ठीक है इसकी भी वैल्यू रख देंगे, इसकी भी वैल्यू रख देंगे। कौन कौन सी इक्वेशन से रख देंगे बोलिए, अब किस कौन कौन सी इक्वेशन से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए क्या जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के वाई प्लस इसका मान रखिए, इसका मान बोलो कितना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोलो इसका मान कितना, माइनस वाई भी आएगा, ठीक है तो इसको एक साइड ले आइए, ठीक है तो चलिए इसको एक साइड ले आइए, इसको आगे कर देते हैं, हाँ तो इधर ले आएंगे इनको सबको। तो ये बोलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस के हो जाएगा, माइनस के कितना टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस वाई टू वाई, इधर आगे कैसा हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा टू वाई बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो आसानी क्वेश्चन है, तो ये देखिए कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन दो बार है, तो ये कितने ऑर्डर का आ गया, दो ऑर्डर का, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी कितने थे हमारे, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे, तो इसलिए दो ऑर्डर का क्या बन गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आंसर इसका चेक कर सकते हैं बुक में, ठीक है तो चलिए इसको सभी नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी चेक कर लीजिए, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है, चलिए नोट करेंगे सभी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में ठीक है, बाई एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन, ठीक है तो ए बी क्या दे रखे है हमारे, ए और बी को क्या करना हमें, एलिमिनेट करना, हटाना यहाँ से, ठीक है तो कर्व देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर गिवन, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है किसको एलिमिनेट करके, ए और बी को, गिवन क्या है हमें इसमें एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस क्या दे रखा है इन्होंने, ये एक्स स्क्वायर। तो ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, इन्हें एलिमिनेट करके हमें क्या बनाना है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है तो दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकेंड ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो चलिए इसमें तो ऐसे करिए,
आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वाले एक साइड रहने दीजिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ए की पावर एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स को ऐसे ही रखेंगे, वाई का करेंगे डी वाई अपोन डी एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रखेंगे, एक्स का करेंगे वन हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे टू एक्स हो जाएगा। चलिए इधर भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ए ई की पावर एक्स इसका कर दीजिए माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर माइनस एक्स का माइनस ए की पावर माइनस एक्स होता है, तो माइनस यहाँ आ गया ये। इसे तुम इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। चलिए यहाँ पे भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक बी तो कट ही जाएगा, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, तो इक्वेशन किसको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, जोड़ना इनको, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपोन डी एक्स, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ रहे हैं, तो बोलो कितना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बोलो प्लस वाई आगे बोलिए माइनस के टू एक्स, इनको भी जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एलिमिनेट करना यहाँ से किसको भी, टू मतलब ए को भी एलिमिनेट करना, तो इसका भी क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको थर्ड, तो चलिए करिए थर्ड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको ऊपर करेंगे, तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोलिए इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे, एक्स ऐसा ही डी वाई अपोन डी एक्स प्लस वाई ऐसा ही इंटू वन प्लस एक्स ओ एक्स स्क्वायर का माइनस के टू एक्स प्लस फर्स्ट सेकंड से कर देंगे, एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपोन डी एक्स, एक्स का वन हो जाएगा, चलिए वाई का करिए डी वाई अपोन डी एक्स, आगे करिए माइनस के टू, आगे करिए इक्वल टू टू ए की पावर एक्स, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बोलिए कितना, टू डी वाई वाई डी एक्स माइनस टू टू ए की पावर एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी फोर। अब बताइए किसको एलिमिनेट करना, हमें ए को एलिमिनेट करना, तो ए को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों, भाई ये भी किसके बराबर है, टू ए की पावर एक्स के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, टू ए की पावर एक्स के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कौन कौन सी इक्वेशन से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और किससे, सेकंड से, तो बताइए क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई वाई डी एक्स माइनस के टू, बराबर इसके आ जाएगा, बोलिए किसके आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, इसको देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, बोलिए इसमें कैंसिल हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और देख लीजिए कुछ कट जाएगा तो वाई है यहाँ पे, वाई उधर है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए टू एक्स है ना, माइनस के टू एक्स, वहाँ भी कितना माइनस के टू एक्स कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो देखिए जोड़ लीजिए इनको, वो इसको इधर ले आइए, यहाँ तो कितना एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू, बराबर से इधर ले आइए, माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये फोर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया और माइनस के एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे, चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे सभी। फाइव में कहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो फाइव में फाइंड करना हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इस कर्व की, तो दे गिवन कर्व, दे गिवन कर्व, तो कर्व देखिए क्या दिया हमें, वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं इसमें, एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, दो जगह है तो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होना, केवल एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना और एलिमिनेट करना हमें यहाँ से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को, यानी कि सी को एलिमिनेट करना। तो इक्वेशन हम मानेंगे इसको फर्स्ट, चलिए डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए वाई का, बोलिए डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है ये आ जाएगा यहाँ से टू सी एक्स माइनस सी, इसका करेंगे वन आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए चलिए, क्योंकि वहाँ एक्स माइनस सी का स्क्वायर है, डिवाइड करके कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, चलिए दोनों ओर वर्क करने पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बोलो दो का स्क्वायर फोर सी स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी ये हमारी सेकंड आ जाएगी, चलिए भाग कर लीजिए इससे, इसे भाग कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड अपोन इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, चलिए भाग देना इधर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपोन वाई इक्वल टू फोर सी स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर अपोन सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या कट जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं वन अपोन वाई डी वाई अपोन डी एक्स का होल स्क्वायर, एक सी से सी कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से फोर सी, चलिए सी का ही मान निकाल लो यहाँ से, सी बराबर कितना आ जाएगा वन अपोन फोर वाई हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें इसे इक्वेशन चलिए सेकंड मान लीजिए, या चलिए सी का मान यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो सी थोड़ी आ जाएगा फिर इसमें, तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा हमारा सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी
putting the value of c in कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। चलिए फर्स्ट में रखिए y इक्वल टू c की जगह क्या रखना, वन अपॉन फोर वाई, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, या ये वैल्यू तुम रख दीजिए, चलिए यहाँ रख दीजिए इसको सेकंड में, इसको सेकंड मान लीजिए, सेकंड तो मान रखी हमने, तुम ऐसा करिए इसको सेकंड मानिए और इसको क्या मानिए, थर्ड मानिए, ठीक है, तो इसमें आसान रहेगा रखना ही। तो ये वैल्यू हमने स्क्वायर करा, डिवाइड कर दिया है ना, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, सेकंड में रखिए, चलिए रखना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू टू, सी का मान रखना वन अपोन कितना फोर वाई, डी वाई अपोन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू बोली एक्स माइनस सी की वैल्यू रखना वन अपोन कितना फोर वाई, डी वाई अपोन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अभी इतना नोट करेंगे इसको, जल्दी से इतना नोट करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको उसके बाद इधर सोल्व करेंगे, ठीक है, इधर मिटा के इधर करूँगा मैं। तो चलिए आगे देखिए, दो से तो ये कट ही जाएगा, दो दूनी चार, डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी कट जाएगा, एक कट जाएगा ना, ये की पावर कट जाएगी, तो देखिए कितना बचाइए, वन इक्वल टू वन अपॉन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू में बोलिए कितना बचा वहाँ पे, एक्स माइनस वन अपोन फोर वाई, चलिए फोर वाई एलसीएम ले लेंगे, फोर वाई तुम इसमें ऐसा करिए एलसीएम ले लीजिए, जब फोर वाई एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर एक्स वाई और माइनस कितना डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एट वाई स्क्वायर वन इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा वन अपॉन कितना हो जाएगा एट वाई स्क्वायर, इसकी गुणा अंदर कर दीजिए, ठीक है, तो बोलिए कितना, इसकी गुणा अंदर करेंगे तो फोर एक्स वाई इंटू में बोलिए कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, आगे गुणा करिए माइनस की डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या आ जाएगा होल क्यूब आ जाएगा, इसे इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा एट वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलिए क्या आ जाएगा फोर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। आंसर चेक करेंगे सभी बुक में, आंसर एट वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, सिक्स में सो दैट देखो गिवन है हमें ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ, क्या दिखाना हमें, देखिए यहाँ को लिख देता हूँ मैं, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये ला के दिखाना, तो दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, इनको एलिमिनेट करके हमें ये यानी कि क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना,
तो चलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो किसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, कैपिटल ए और कैपिटल बी को। डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट कर लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी 2y, डी वाई बाई डी एक्स 1 का क्या हो जाएगा, 0 से 2 से भाग दे दीजिए इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। चलिए वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर बना लीजिए, इसमें x से गुना कर लीजिए, किससे गुना कर लीजिए, x से, तो मल्टीप्लाइंग बाई किससे करिए, चलिए x से, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा, तो बताइए क्या जाएगा जब x से गुना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी इंटू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0, इसे तुम इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। चलिए घटा लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में से इसे घटा लीजिए, या सेकंड में से उसको घटा लीजिए, चलिए फर्स्ट में से घटा दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर ली, इक्वेशन सेकंड कर ली, इसमें से घटाएंगे ये तो कट जाएगा, बी वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई डी वाई अपोन डी एक्स, 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, कितना जाएगा, 2by माइनस बी, चलिए इनका करिए, 3 फंक्शन है, इसे तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, यानी कि एक्स वाई को ऐसे रखेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन d2y/dx² प्लस, चलिए dy/dx को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे एक्स वाई का, एक्स ऐसा ही वाई का dy/dx प्लस, y को ऐसे रखेंगे, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, ठीक है, b से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो लिख देंगे डिवाइडेड बाई b, तो ये आ जाएगा, तो ये तो हमें लाना ही है, ज़रा देखिए किससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय बी, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y बचेगा, माइनस के अंदर गुना कर लीजिए, बी तो से तो डिवाइड कर दिया, एक्स वाई बचेगा d2y/dx² माइनस इसकी गुना कर लीजिए आगे, एक्स dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस की dy/dx = 0, ठीक है, अभी ये देखिए क्या लाना है इसमें, क्या सिद्ध करना, हमें इसमें सिद्ध करना x को dy/dx तो अलग रखना, dy/dx माइनस का जाएगा, चलिए माइनस से भी डिवाइड कर लीजिए, चलिए माइनस बी से डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर लीजिए, माइनस बी से, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ कैसा आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की गुना यहाँ भी होती, तो ये सारा क्या हो गया भाई, यहाँ प्लस हो गया,
तो जब प्लस बी से गुना करेंगे तो इधर तो यहाँ सारे प्लस हैं तो प्लस ही आएंगे, तो बस ये माइनस का आएगा। अब ज़रा देखिए हमें क्या लाना है इसमें, y dy वाई बाई डी एक्स माइनस लाना और y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स है ना इसके साथ, एक्स है और इसके साथ भी कितना x, तो ये 2y, मैं देखो ज़रा एक बार कहाँ पे इसमें गलती हो गई, एक बार चेक करिए। अच्छा यहाँ पे देखिए जब y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम तो इसका कितना आना था 2by, फिर y का भी तो करना था, dy वाई अपोन डी एक्स हो रहा था और यहाँ माइनस, बाकी सही है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2y dy वाई बाई डी एक्स आएगा, कितना आएगा 2y dy वाई बाई डी एक्स। चलिए इनमें कॉमन बता दीजिए कितना कॉमन लेना है, इनमें x कॉमन लेना तो ब्रैकेट में बता दीजिए y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बाहर आ गया dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ठीक है, इसमें से इसको घटा लीजिए 2y dy वाई डी एक्स, ये दो हैं और वो एक है, घटाएंगे तो माइनस के बच जाएंगे, माइनस के y dy वाई बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो। तो यही सिद्ध करना हैंस प्रूव्ड ठीक है, नोट करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखिए क्या दिया, 7 में गिवन क्या गिवन है, डी टू वी, अच्छा कर्व देखिए क्या दिया, v इक्वल टू ए अपोन आर प्लस दे रखा b, तो इसका सॉल्यूशन हमें देखिए क्या दिखाना, डी टू वी बटे डी आर स्क्वायर प्लस टू अपोन आर डी वी बटे डी आर बराबर जीरो के दिखाना ठीक है। तो इसमें r हमारा कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v कैसा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई मैंने तुम्हें बताया कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है ठीक है, या y एफ एक्स इस तरीके से आ गया एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस फाइव, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x कैसा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंड, y किस पर डिपेंड करता है x पे। तो जैसे हम ये भी लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें y तो कैसा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x कैसा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके अंदर v हमारा कैसा है डिपेंडेंट वेरिएबल और r कैसा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए मैं तो ये ला ला इससे, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ठीक है। और कल एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है, भाई मान लिया हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ये मान ली डी वाई बाई डी एक्स प्लस मान लिया टू कोस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो, यदि कोस के सामने ये डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होती है ठीक है, क्योंकि इसमें ये कोई पॉलीनोमियल नहीं माना जाता यदि कोस के सामने ये आ जाएगा ठीक है। तो इसीलिए जो इसकी डिग्री होती है, इसका ऑर्डर तो कितना होगा, ऑर्डर तो वन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, और इसमें डिग्री कैसी होगी नॉट डिफाइन, या इस तरीके से आ जाए कोई इक्वेशन हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस या साइन आ जाए इस तरीके से ये कोई फंक्शन आ जाए, तो इसमें भी इसकी डिग्री कैसी होगी इसमें नॉट डिफाइंड ठीक है, इसकी डिग्री भी कैसी होगी नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि यदि इसमें ये क्या आ गया यहाँ पे साइन डी वाई वाई डी एक्स, तो कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो ये मैंने बता दिया ये ठीक है नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड डिग्री होगी।
चलिए इस एक्सरसाइज का अब हम ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया और वो लाना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का ही, तो आसानी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर के करेंगे। आर कैसा वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बोलिए क्या आ जाएगा। डी वी बटी डी आर इक्वल टू आर की पावर ऊपर जाएगी माइनस वन, ठीक है, तो आर की पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट, तो माइनस वन आर के वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में कितना ए बी कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू आर। चलिए कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना, अब हमें सेकंड का करना, किसके रिस्पेक्ट करना, आर के रिस्पेक्ट करना, तो बोल दो क्या आ जाएगा, डी टू वी बटे डी आर स्क्वायर, इसका करेंगे तो आर की पावर ऊपर जाकर माइनस टू, माइनस टू क्यूब हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टू अपॉन आर क्यूब हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये थर्ड आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना ये डिफरेंशिएशन। भाई कितना था ये, मैंने ये कहा आर की पावर माइनस टू नहीं हो जाएगी, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, ये आ गया, तुम करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसकी पावर माइनस थ्री बटे में भी ले गए, टू अपॉन आर क्यूब, सीधा मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इतना डायरेक्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम बी एस सी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, न कि तुम ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, अब इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, ये थर्ड आ गई, थर्ड बटे सेकंड कर लीजिए, तो ये आंसर हमारा आएगा थर्ड बटे क्या कर लीजिए, सेकंड। तो देखिए थर्ड अपॉन सेकंड से क्या आ जाएगा, थर्ड अपॉन सेकंड से ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर टू अपॉन आर क्यूब, ए बटे में बोलिए माइनस के वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, ए से ए कट गया, डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस की, इससे ही कट जाएगा टू अपॉन आर, बराबर से इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, डी टू वी बटे डी आर स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर बराबर ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए क्या सिद्ध करना था, टू अपॉन आर डी वी बटे डी आर तो रह गया, तो जब इसको भाग करेंगे इससे अपॉन में कितना भी आना था, डी वी बटे डी आर भी आना था, थोड़ा छोटा लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डी वी बटे डी आर, तो बताइए क्या आ जाएगा, डी वी बटे डी आर बराबर ज़ीरो, हैंस प्रूफ्ड। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और जिस स्टूडेंट को भी इस बुक का कंप्लीट कोर्स लेना, ठीक है, तो वो सारा कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पाएगा, एप्लीकेशन है हमारा PCM गुरु, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद 9690224488 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और जो, ठीक है, फीस होती है हमारी एक बुक की वो मात्र 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मैसेज करेंगे और अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे, ठीक है, तो आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा और आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट सेशन पर करेंगे।